तो गाइस वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। शाम हो चुकी है यहाँ पे और अपन सिटी सेंटर के पास हैं। बड़ा ही सुंदर सा लग रहा है और मैं दो तीन बार ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। बस तो सिटी सेंटर नहीं, जब मैं यहाँ जो लोग सेटल होने आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनके हिसाब से दिखा रहा हूँ कि ग्रॉसरीज़ के रेट क्या हैं और कौन सी शॉप से आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपके यहाँ पर कार्ट है टेस्को एक्सप्रेस, तो एक बार चलते हैं टेस्को के अंदर और चेक करते हैं क्या क्या प्राइसिंग वगैरह है। तो ऐसा कुछ स्टोर दिखेगा आपको। तो आज की वीडियो हम जो कवर करेंगे वो रहेगा सब्जियां वगैरह, सब्जियों के रेट क्या हैं। ब्रेड से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 से 2 पाउंड के बीच में, यानी 100 रुपये के आसपास ही ब्रेड स्टिक्स या फिर इस टाइप की ब्रेड्स मिल जाएंगी। ऑल दो जो ऑप्शंस हैं हमारे पास उसमें नॉर्मल ब्रेड्स भी हैं जो हम कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल सब्जियों से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सब्जियों का सेक्शन है। ये बड़ा वाला नींबू आपको टेस्को में 35 का पड़ जाएगा, ग्रीन नींबू 30 का। संतरे 35 का एक पीस है, 35 रुपये का एक है। बाकी शिमला मिर्च के जो प्राइस है भैया, प्राइस नहीं लिखे, ये है ना 100 की है भाई, पूरा पैकेट 100 का है। ऐसे आपको मिक्स भी मिल जाएंगे और सिंगल लेना चाहो सिंगल ही मिल जाएंगी। बाकी यहाँ सेब हैं एज यूजल, ये 2 पाउंड के या फिर 6 हैं या फिर 30 पाउंड का एक है। सेम यहाँ पे आलू है, आलू का प्राइस अपना टेस्को पे ये पूरा पीस 2 पाउंड का 200 का। सेम आप 2 शिमला मिर्च लोगे तो पूरा पैकेट वाला 1 का। प्याज 3 का एक पैकेट, सॉरी प्याज 1 का है ये, उतने की है जितने की मैंने बताई थी आपको। बाकी हम थोड़ा सा लेट आए हैं वीडियो बनाने, तो इस टाइप की सब्जियाँ हैं। तो भाई इंडिया से कंपेयर बिल्कुल मत करना कि प्राइस महंगे होने वाले हैं, प्राइस महंगे हैं और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ आ रहे हो, यहाँ जब पार्ट टाइम आप कमाओगे तो उसी हिसाब से करोगे। तो एक ये पत्ता गोभी का एक पीस 110 पाउंड का, इंडिया के हिसाब से अभी आपके रेट के हिसाब से कर लो, 100 के हिसाब से कर लो, 110 रुपये का एक है। तो ये सब है। बाकी अपन नॉन वेज तो खाते नहीं हैं, पर फिर भी नॉन वेज की भी दिखा देते हैं। ये पता नहीं क्या चीज़ है, जो भी है आपका रेट ये दे, आप देख लो। ये बीफ बॉल्स 350, अब इंडिया में इसके क्या रेट हैं ये आई डोंट नो। ये स्टिक्स किस चीज़ की होती हैं स्टिक्स, अब कमेंट में एक बार बताना। पोक मेरे ख्याल से जो इंडिया से जो भी आ रहा है पोक तो बिल्कुल नहीं खाएगा, उसमें मैं पोक दिखाता भी नहीं। बाकी चिकन पीस हैं ये 4 के, 400 रुपये का एक डब्बा इतना। तो इंडिया के कंपैरिजन आप करोगे तो पैसे बहुत महंगा है। तो लास्ट में हम दूध दही और देखते हैं। बाकी देखो सामान तो बहुत सारा है पर मेरे ख्याल से ये सामान आप लोगे नहीं, तो इन सब सामानों को दिखाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। केचप वगैरह के पैकेट 100-100 रुपये के हिसाब से आते हैं, इंडिया के हिसाब से ज़्यादा अंतर नहीं है। एक बार तेल का रेट देख लेते हैं भाई, 350, ये विनेगर है 350 का। और तेल मैंने लिया था लास्ट टाइम यहाँ से लगभग 200 रुपये लीटर के हिसाब से था, अब इंडिया के हिसाब से कमेंट में बताओ कितना है। बाकी दूध इस हिसाब से 250 रुपये का एक कैन है और लगभग 80 रुपये लीटर। अच्छा है सी एस, दूध सस्ता है। और अगर आप ऑर्गेनिक लोगे, ऑर्गेनिक गाय वाला, तो ये पड़ेगा आपको 130 रुपये लीटर। दही का मैंने लास्ट टाइम डालता था, यहाँ दही दिख नहीं रहा प्रॉपर गाय का, अगर आप टोंड वाला लोगे 73 रुपये लीटर। ठीक है, दूध के हिसाब से अगर आप देखोगे तो दूध के हिसाब से सस्ता है। बाकी ये था टेस्को जहाँ से आप सामान देख सकते हो, यहाँ पे ये हर जगह टेस्को दिख जाएगा आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे रेडी टू ईट भी बहुत सारा सामान रहता है। अगर आप टेस्को आते हो तो आप क्लब कार्ड बनवा लो, ऑनलाइन अप्लाई होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जैसे चिकन टिक्का मसाला ये इंडियन वाले फ्लेवर में पर 350 का एक डिब्बा, सस्ते में तो आप बना ही लोगे इसे। तो रेडी टू
ईट वाले में आप ज़्यादा वैसे भी नहीं खाओगे, तो अपन क्या करते हैं कि टेस्को हो गया, टेस्को आपको जनरली हर जगह मिल जाएगा, टेस्को एक्सप्रेस। अपन चलते हैं कि यहाँ से इससे भी सस्ता सामान जहाँ मिलेगा उसमें चलते हैं और वहाँ से रेट कंपेयर करते हैं। तो भाई दूसरा जो स्टोर है यहाँ का वो है लिडल, और लिडल ही आपके आसपास, आपकी यूनिवर्सिटी के आसपास अगर आप आ रहे हो, या क्वींस में आ रहे हो, या अर्सर में आ रहे हो, या जनरल रहने भी आ रहे हो सिटी सेंटर के आसपास अगर वर्क के लिए भी आ रहे हो, तो यही ऐसी जगह है जहाँ पर आपको सबसे सस्ता सामान मिलेगा। लिडल के बाहर ही जब आप निकलोगे तो आइसलैंड है, आइसलैंड में ऑलमोस्ट लगभग सेम मिलता है, तो यहाँ से प्राइसिंग आप आइसलैंड और लगभग सेम रख सकते हो। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे है चेस्टनट्स, ये पड़ेंगे आपको 350 के, आधी किलो 650 रुपये किलो। संतरे अपने भाई ये बहुत महंगे हैं भाई, 900 रुपये के किलो हैं, ठीक है, बहुत महंगे हैं भाई। फ्रूट्स वगैरह बहुत महंगे हैं। यहाँ सबसे सस्ता जो फ्रूट्स आपको दिखेगा मैं बताता हूँ आपको, तरबूज देखते हैं भाई, तरबूज वाटरमेलन 1 kg 0.79, लगभग 3-4 kg का होगा ये, 400-500 रुपये में आ जाएगा आपका। ऑल दो इंडिया से बहुत महंगा है पर ठीक है, लेने लायक है फिर भी। तो शिमला मिर्च फिर से यहाँ पे अगर आप एक सिंगल पीस लोगे इतना रेट है, यानी लगा लो भाई साहब 0 point को 40 रुपये इंडिया के, इंडिया में क्या चल रहा है आप बता दो। पत्ता गोभी 55 एक पीस, ठीक है, इतना कोई महंगा नहीं है। केले 80 रुपये किलो। तो ये रेट था फ्रूट्स का, फ्रूट्स अगर खा रहे हो। बाकी अगर बेक्ड सामान लेना है, लिडल में बेक्ड सामान का पूरा सेक्शन है, बेक्ड सामान सस्ता है कंपेरेटिवली काफ़ी, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ये चीज़ें ले सकते हो। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो फ्रूट्स के बाद सबसे मेन चीज़ जो होती है जो खाने में नाम आती होती है वेजिटेबल, तो यहाँ पे वेजिटेबल का प्राइस एक बार दिखाते हैं आपको कितना है। तो मशरूम आप लोगे 300 ग्राम का एक डिब्बा है, तो ये पड़ेगा आपको 90 रुपये का एक क्लोज मशरूम है। फैमिली पैक लोगे जो ये वाला है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा शायद, ये 125 का पड़ेगा। अब केजी में भी डिफरेंस है, ये आपको 1 kg 3 pound का पड़ रहा है, ये 1 kg 2.89 का थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे ये मेंशन होता है तो इसको आप देख सकते हो। टमाटर आधी किलो टमाटर आपके हैं, एक किलो के हिसाब लगा लो 220 रुपये किलो टमाटर लगा लीजिए, 220 रुपये किलो टमाटर। टमाटर के बहुत सारे टाइप हैं तो वो भी बता सकते हो कि चेरी वाइन टमाटो हैं, ये पाँ बेबी प्लम टमाटो हैं। तो भाई आज तक किस किस ने इंडिया में ये देखा था वो मुझे बता देना। ये भी सेम प्लम टमाटो। गाजर 45 रुपये किलो, सबसे सस्ती चीज़ भाई 45 रुपये किलो का गाजर, बढ़िया। यहाँ पे आपकी पत्ता गोभी 90 रुपये की, पीछे थोड़ी सस्ती थी शायद। ब्रोकली सेम 96 रुपये 200 रुपये किलो। खीरा कोरिएंडर 200 रुपये किलो। प्याज का रेट देखते हैं, 65 रुपये का ये वाला प्याज है आपका। प्याज के भी टाइप हैं, आप ऐसे टमाटर के टाइप थे, रेड अनियन तो हम जनरली रेड अनियन लेते हैं, तो ये भी आपका 170 रुपये किलो के आसपास है। इंडिया में रेट बताओ कितना है। अदरक भाई, अदरक 550 रुपये किलो। कंपेरेटिवली अगर प्राइसिंग अगर आप देखोगे, सब्जी होगी यहाँ पे बहुत महंगी पड़ेगी, पर हाँ आप जब पार्ट टाइम वगैरह करोगे तो इन्हीं प्राइसिंग में कमाओगे तो आपको इतनी महंगी ये चीज़ें नहीं लगेंगी। तो एक बार मीट सेक्शन में चलते हैं और आपको मीट सेक्शन का प्राइस बताते हैं। बाकी ब्रेड में बता रहा था आपको, हाँ तो आपको वन ब्रेड भी मिल जाएंगी। तो ये किंग्स मिल ब्रेड के बहुत से टाइप हैं, तो किंग्स मिल ब्रेड आपको ये 120 का ये वाला पैकेट आ जाएगा आपका। ये फैमिली पैन 150 का। सॉफ्ट ब्रेड मीडियम, छोटा वाला लोगे तो 114 का है। बाकी हम जो खाते हैं ये वाला
ये वाला खा लेते हैं। बाकी सीड ब्रेड्स हैं, ये काफ़ी हेल्दी होती हैं, 180। थोड़े से प्राइस ज़्यादा हैं, पता नहीं लास्ट टाइम जब मैं आया था तो प्राइस थोड़े से कंपेरेटिवली कम थे यहाँ पे। बाकी अगेन रेडी टू ईट फूड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रेडी टू ईट खाते हैं। दूध दही पे आते हैं, उससे पहले आपको एक बार मीट दिखा देते हैं। और जो जो मीट खाता है, चिकन ब्रेस्ट ये एक पैकेट, ये सैल्मन है फिश है, चिकन ब्रेस्ट नीचे एक किलो, चिकन ब्रेस्ट एक किलो 550 मान लो। चलो बीफ भाई हम तो ना खाते ना खिलाते, जितना कि फ्रेंड्स जिसने देखा होगा उसने देखा होगा, सेम 550। कंपेटिवली अगर आप देखोगे सब्जियों से तो सस्ता है। मैं तेल बता रहा था आपको, सनफ्लावर ऑयल सरसों का तेल 200 रुपये किलो। वेजिटेबल ऑयल 170, फ्राइंग ऑयल 450। भाई ये सारे ऑयल हैं, देख लो आप अपने हिसाब से। दही का मैंने बता ही दिया था आपको, ये एक किलो का डिब्बा आएगा दही का, ये वाला, ये प्रॉपर दही है अपना, तो ये वाला दही लेना अगर दही आपको इंडिया वाला पसंद है तो। देख लो भाई लो फैट वाला 170 रुपये किलो, बाकी छोटे मोटे भी हैं। ये अगेन रेडी टू ईट वाले मीट्स वाले जो प्रोडक्ट हैं आपके, अपने हिसाब से आप देखोगे तो कंपेयर कर सकते हो। हम दूध को देख लेते हैं एक बार कि दूध कितने का है। दूध यहाँ से दिखा नहीं मुझे, यहाँ पे दूध भी लगभग ना सेम है, दूध थोड़ा सा सस्ता है यहाँ पे कंपेरेटिवली बाकी चीज़ों से, बाकी अपने हिसाब से आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे सेल, इस सेक्शन में सेल लगी रहती है, क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस का बहुत सारा सामान है जो आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बाकी देखो सामान तो जो आपको चाहिए वो अपने अकॉर्डिंग ही लोगे, जो आप खाते हो, जो आप पीते हो, कितना खाते हो। एक बार दूध दही देख लिया, मक्खन कैसे रह गया भाई, जो अपने हरियाणा पंजाब से लोग आएंगे वो मक्खन थोड़ा छोड़ देंगे। तो भाई मक्खन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है 200 रुपये किलो के हिसाब से है, और 900 रुपये किलो के हिसाब से जाता है भाई। अब आपके हिसाब से है, आपको कौन सा मक्खन खाना है, सबरी वैरायटी है यहाँ पे 200 से 800 तक। अगेन दूध देख लेते हैं, दूध वही 70 रुपये लीटर, और जो महंगा वाला है जो तोशे चलते हैं वो 120-130 रुपये लीटर। तो यही ये सब था दूध दही का, इन सब का। तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको जो सामान लेना चाहिए कहाँ से लेना चाहिए, आप लिडल आओ। अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो या फिर ऐसा फैमिली भी आ रहे हो, वर्किंग ला रहे हो, तो लिडल इज़ द प्लेस, आप लिडल ले सकते हो। एक बार थोड़ा सा भाई, मेरे बहुत सारे भाई बियर पीते हैं तो बियर का रेट बताते हैं। तो भाई यहाँ से बियर की स्टार्टिंग होती है, ये चार्लिंग बियर है, ये पूरा क्रेट है 850 का ले लेते हैं। चलो ये टेंसेंट बियर है, इसमें 10 कैन है, इसमें 12 कैन है, ये 1300 का है। बड लाइट, बडवाइजर के बहुत सारे फ़ैन होंगे, बड लाइट की ये 12 की पेटी, ये है 900 की। ये यहाँ की फेमस बियर है टेनेंट लैगर, और इसका रेट है अपना 15 कैन का है ये 1400। बाकी कोरोना के फ़ैन बहुत सारे होंगे, कोरोना की पूरी पेटी आज महंगी हो गई भाई, 10 की थी अब ये 1200 की है। बाकी गिनीस आयरिश बियर है, थोड़ी ब्लैकिश टेस्ट में आपको मिलेगी, ये 1400 की। होप लैगर है 1100 की पूरी, 14 कैंस की। तो ये बाकी सारी ये खुले में मिलेंगी, ये कैने मिलेंगी, तो लगभग यही रेट है। तो इंडिया के हिसाब से अगर आप कंपेयर करते हो बियर्स को तो कंपेरेटिवली बहुत सस्ता है बियर, जो बियर वियर पीते हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है इसलिए हम बियर ज़्यादा पीते नहीं है। बाकी लिडल में आपको हार्ड ड्रिंक जैसे विस्की नहीं मिलेगी, आपको जिन मिल जाएगी, वाइन मिल जाएगी, बियर मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ लेना है तो यहाँ पे वाइन मार्क करके शॉप है, आप वहाँ से ले सकते हो। तो बस यहाँ से आप बाहर निकलोगे, सामने की तरफ चेकिंग काउंटर है, वहाँ से आप ख़त्म कर सकते हो। इस जगह को बेबी प्रोडक्ट्स, मेडिसिन कुछ जो जो अलाउड होते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के वो मिल जाएंगी। तो ठीक है, आज की वीडियो को, इस वाली वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।
तो आई होप ये नॉलेजेबल रही हो। अगर आपको इंडियन मसाले कहाँ लेने हैं, इंडियन सामान कहाँ से लेना है, या कितने का आएगा, कैसी कौन सी दुकान है, या इंडियन खाना कहाँ कहाँ मिलेगा, इंडियन रेस्टोरेंट कौन से बेटर हैं, वो सब पूछना है कमेंट इन द बिलो और मैं उसको वीडियो बताता हूँ। बाकी वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो एंड जो भी सजेशन है कमेंट इन द बिलो। बाकी पूरी देख लो यार। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़।